यूपी में आप अपनी पार्टी से मुद्दे क्यों नहीं उठवा रहे हैं? यूपी में आप किसी मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे, जनता के हित के मुद्दे को? आपकी पार्टी इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं, हम यहाँ बैठे थे और जिस तरह आप ध्यान बता रहे हैं जी, और उसको आने वाले दिनों सवालों, क्योंकि हर पार्टी के अपने मुद्दे को लेकर बैठती किसी, लेकिन आपकी पार्टी कभी भी किसी भी मुद्दे को नहीं उठाती। अपने गौर से मैंने खुद ही कहा कि हम ये बैठक जो है प्रदेश कार्यकारिणी के लंबे अंतराल के बाद हम बैठ करके उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ऐसे सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उस पर काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे, क्या मुद्दे मुद्दा क्या रहे हैं? बिहार चुनाव जैसे कि चलेगा होगा, उसमें आपका एजेंडा क्या रहा? बिहार में बिहार में जो एजेंडा हमारा है कि गुड गवर्नेंस नंबर वन एजेंडा है एंड डेवलपमेंट विद जस्टिस नंबर टू है, मतलब वो हमारे वो एजेंडे तो देश में नकल हो रहा है। नशा मुक्ति अभियान पे भी कोई आपकी पार्टी कार्यक्रम कर रही है? जिस तरह से अभी कुछ बैनर वगैरह आपके लगे हुए यहाँ कार्यालय में, कुछ अभियान शुरू करने जा रही है? इसीलिए अभी जो बैठक है, आज भी बैठेंगे, कल भी बैठेंगे जी, कल भी बैठक है और उसमें हम और कुछ इन्होंने प्रस्ताव पास किए हैं जी, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी प्रस्ताव आपको बता देंगे। देखिए, जो आप एजेंडे की बात कर रहे हैं जी, इस कार्यकारिणी ने आज 5 प्रस्ताव पास किए हैं, वो बहुत प्रस्ताव आपको बता देंगे। देखिए, जो आप एजेंडे की बात कर रहे हैं जी, इस कार्यकारिणी ने आज 5 प्रस्ताव पास किए हैं, वो बहुत ही जनहित के हैं, जनता के एजेंडे हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। छुट्टा पत्तों से निजात दिलाई जाए, ये कार्यकारिणी हमारी कार्यकारिणी की हमारी पार्टी की मांग है। किसानों के लिए भी शहर में भी ये छुट्टा पत्त बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। दूसरा, धान के खरीद में देरी हो रही है और बहुत सुस्ती से कहीं कहीं चल रहा है, इसको तुरंत दूर किया जाए, बहुत जरूरी ये है किसान के हित में काम। रोजगार बढ़ाने के अवसर बनाए जाएं, पैदा किए जाएं और सरकारी नौकरियों में जो भी खाली पद हैं वो शीघ्र भरा जाए। महिला आरक्षण विधेयक बहुत सालों से लंबित है, हमारी पार्टी मांग करती है कि वो जल्दी जल्दी पारित कराया जाए, ये भी हमारा पार्टी का मुख्य एजेंडा है। प्रदेश में बिहार के तर्ज पे पूर्ण शराबबंदी लागू किया जाए, अभी कुछ शहरों तक ही सीमित है, पूरे प्रदेश में होना चाहिए, कहीं कोई सेलेक्टिव कार्य नहीं होना चाहिए। ये 5 मांग जनता हित की है जो हम यहाँ से पास किए हैं और सरकार तक पहुँचाएंगे, इस पर आने वाले दिनों में एक्शन प्रोग्राम भी। लेकिन सर, शराबबंदी पे नीतीश जी नहीं, वहाँ के जो है सदन में कुछ स्थिरता करी गई है वहाँ के नियम कानून। ओके, रोल मैडम, अपना नाम बता दीजिए और आज की बैठक के बारे में जो आप लोग आए हैं। मैं गीता पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और आज की बैठक में जो हमारे माननीय अशफाक साहब आए हुए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के विषय में रखी गई। कहाँ कहाँ से लोग आए थे? इसमें पूरे प्रदेश से लोग आए थे, सभी जिलों के जिलाधिकारी, जिला अध्यक्ष आए थे, उनके साथ कार्यकर्ता आए थे, बूथ स्तर तक के प्रभारी हमारे जो भी बनाए गए हैं वो सभी लोग यहाँ पे इस बैठक में शामिल हुए। क्या बैठक का एजेंडा क्या? बैठक का एजेंडा मेन लोकसभा का चुनाव जो 2023 का जो आ रहा है उस पर फोकस करके हम लोग काम करेंगे, और इस बैठक के माध्यम से हम आपको संदेश देना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में पूरे तन मन और धन से यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे आगामी चुनाव में आपको खड़ा दिखाई देगा। किन एजेंडों को लेकर 2019 का लोकसभा चुनाव में आएंगे आप? हमारी पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ सुथरा है। हमारी पार्टी जिस तरह से एक जंगल राज बिहार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड, आज की बैठक का उद्देश्य क्या था?
बैठक का उद्देश्य था संगठन मजबूत हो, 2019 में हम लोग आगे हैं, उसके साथ 2022 में पूरी तरीके से कब्जा कर रहे हैं। आप कहाँ से? लखनऊ से, जिलाध्यक्ष श्री संतोष कुमार झा की वाइफ। ठीक, ओके जी, बोलिए बोलिए, तेजी से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, यहाँ नमस्ते नहीं करना, बोलिए जोर से। हाँ, अपनी बात रखिए, देखिए